हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कंचन शर्मा और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लाइकेन में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप की रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले मेरे दो वीडियो लेक्चर्स में हमने बात की है जनरल कैरेक्टर ऑफ लाइकेन्स के ऊपर, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइकेन और लाइकेन्स की इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स पे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप की रिप्रोडक्शन जो कि लाइकेन्स में देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, लाइकेन में तीन प्रकार की रिप्रोडक्शन हम लोगों ने आज तक देखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाइकेन्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत ही पॉपुलर टाइप का रिप्रोडक्शन है। ये पांच तरीके से पाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, विद द हेल्प ऑफ इसीडिया, सॉरीडिया, बॉब्यूल्स एंड शाइजीडिया। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। तो फ्रेगमेंटेशन बहुत ही सिंपल तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। इस टाइप की रिप्रोडक्शन में जो भी लाइकेन होती है, उस लाइकेन में आपको पता ही है माइकोबैंड एंड फाइकोबैंड दोनों ही हिस्से पाए जाते हैं। जो फंगल वाला पोर्शन होता है उसे हम लोग माइकोबैंड कहते हैं और जो एल्गल पोर्शन होता है, एल्गल कंपोनेंट होता है, उसे हम लोग फाइकोबैंड कहते हैं। लाइकेन का यदि ब्रेकडाउन हो जाता है और उसके बाद में ये छोटे छोटे पोर्शन के अंदर डिवाइड हो जाएगी, छोटे पोर्शन में डिवाइड होने के बाद में हर एक जो पोर्शन होता है वो नया थैलस फॉर्म कर लेता है। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन टाइप का रिप्रोडक्शन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन के बाद जो सेकंड टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो लाइकेन्स के अंदर इसीडिया की हेल्प से होता है। इसीडिया जो है, जैसा कि मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, इसीडिया किसी भी लाइकेन के सरफेस पे टॉप पे निकले हुए एक पस्ट्यूल्स के जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं और इसीडिया जो होते हैं ये बेसिकली आउटर कॉर्टेक्स से बनते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दो तरीके की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है लाइकेन में, होमो आइसोमेरस और हेटेरो आइसोमेरस। तो इनमें जो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाले रीजन को हम लोग आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं। आउटर कॉर्टेक्स फंगल हाइफी के थ्रू बना हुआ रहता है और यही पोर्शन वो पोर्शन है जो कि इसीडिया को फॉर्म करेगा। तो आउटर कॉर्टेक्स की ही कुछ सेल्स, यानी कि फंगल हाइफे की कुछ सेल्स जो है वो राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेती हैं और लाइकेन का जो थैलेस है उस पर एक उभार के रूप में हमें नजर आने लग जाती हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये उभार के रूप में हमें यहाँ पे इसीडिया नजर आ रहे हैं और ये वाला जो पोर्शन है ये आउटर कॉर्टेक्स का पोर्शन है। दिस इज द कॉर्टिकल रीजन और इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं ये मैंने कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर्स बनाई हैं। इन राउंडेड स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि ये यहाँ पे एल्गल जोन को फॉर्म कर रहे हैं। ये सभी एल्गी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। एल्गी जो होती हैं हमें पता है कि फोटोसिंथेटिक होती हैं, ऑटोट्रॉफिक होती हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस करके फूड का फॉर्मेशन करती हैं और इसके अलावा इन एल्गीज की वजह से ही जो हमारे इसीडिया हैं वो ग्रीनिश कलर के भी हमें नजर आते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसीडिया जो फॉर्म हुआ है ये बहुत लंबे टाइम तक परसिस्ट रह सकता है। काफी लंबे टाइम तक आप जो भी लाइकेन का थैलेस है उसके ऊपर इस तरीके की गांठों जैसे उभार जैसे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इसीडिया जो है ये लाइकेन के थैलेस से सेपरेट आउट हो जाते हैं और सेपरेट आउट होकर के ये नए थैलेस को फॉर्म करते हैं। इसीडिया की ही तरह लाइकेन के अंदर सॉरीडिया नाम के भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है। सॉरीडिया जो होते हैं ये पाउडरी ग्रेश कलर के पाउडर की जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि लाइकेन के थैलेस के सरफेस पे पाई जाती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये एक तरीके की आउटग्रोथ है जो कि माइकोबैंड और फाइकोबैंड दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई रहती हैं। यदि हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और इनमें सेंटर में तो यहाँ पे हमारे पास में ये एल्गल पोर्शन है और इस एल्गल पोर्शन के चारों तरफ या फिर इसको इस तरीके से कवर करते हुए फंगल हाइफा प्रेजेंट होते हैं। तो इनका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन हाँ ये छोटे से राउंडेड बॉडीज होते हैं जिनमें कि ये एल्गल जो है कॉलोनी बीच में प्रेजेंट है और इसके चारों तरफ यहाँ पे फंगल हाइफी प्रेजेंट होता है। ये जो ग्रे कलर के पस्ट्यूल्स होते हैं ये बॉडीज बहुत ज्यादा लाइट वेट की होती हैं और जैसे ही हवा चलती है उसके साथ में ये डिस्पर्स आउट हो जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर
और कुछ समय तक एयर बॉर्न रहने के बाद में ये जमीन पे गिरती हैं, और जैसे ही इन्हें सूटेबल एटमॉस्फेयर अपने लिए मिलता है, ह्यूमिडिटी मिलती है और वाटर एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, तो उस समय पे ये जर्मिनेट होकर के नया जो है लाइकेन का थैलस फॉर्म कर लेते हैं। इसीलिया सॉरिडिया काफी इंपॉर्टेंट टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाले जो है सोमास हैं, बॉडीज हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है शाइजीडिया के बारे में और बॉब्यूल्स के बारे में। बॉब्यूल्स और शाइजीडिया थोड़े से रेयर हैं। शाइजीडिया की तो शाइजीडिया जो होते हैं ये स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि किसी भी जो लाइक इनका थैलेस है उस थैलेस पे एक ऐसे स्केली सी स्ट्रक्चर जो है वो निकली हुई रहती है। ये स्केल लाइक स्ट्रक्चर जो है सेपरेट आउट हो जाएंगे थैलेस से, और जैसे ये सेपरेट आउट होने के बाद में इन्हें सूटेबल एटमोसफेयर मिलता है तो ये नया थैलेस फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बॉब्यूल्स की, तो बॉब्यूल जो होते हैं वो लीफ लाइक आउटग्रोथ होते हैं, और जो कि यूजुअली फॉलियोस टाइप की लाइकेन जो होती है उन्हीं में देखने को मिलते हैं। इन फॉलियोस टाइप की लाइकेन जो होती है इनमें पत्ती के जैसी छोटा सा आउटग्रोथ निकलेगा जो कि डिटैच हो जाएगा मेन प्लांट से, और डिटैच होने के बाद में जैसे ही इसको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो उन सूटेबल कंडीशंस के अंदर ये रीग्रोथ करके नया थैलस जो है उसे फॉर्म करेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लाइकेंस में दो विधियां हैं, दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्निडियोस्पोर्स के थ्रू, और दूसरा मेथड है ओइडिया के थ्रू। ओइडिया जो है ये मल्टीपल लाइकेंस के अंदर बनते हैं। ओइडिया राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, और वो लाइकेंस जिनमें की माइकोबैंड एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं उनमें ओइडिया देखने को मिलते हैं। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर अगर एज अ माइकोबैंड किसी लाइकेन में पाए जाते हैं तो उस तरीके की लाइकेन को हम लोग एस्कोलाइकेन कहते हैं। तो ओइडिया का फॉर्मेशन बेसिकली एस्कोलाइकेन्स में ही होता है। तो ओइडिया राउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ओइडिया का फॉर्मेशन फंगल हाइफा के थ्रू किया जाता है। फंगल हाइफा जो है वो छोटे छोटे से पोर्शन के अंदर ब्रेक हो जाएगा, कट हो जाएगा, और कट होने के बाद में राउंड स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही सूटेबल कंडीशन मिलती है, एल्गल पोर्शन इनके कॉन्टेक्ट में आते हैं, वैसे ही ये फंगल पोर्शन और एल्गल पोर्शन यानी कि माइकोबैंड फाइकोबैंड के साथ स्ट्रक्चर यानी कि लाइकेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस प्रकार से ओइडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पिक्निडियोस्पोर्स के थ्रू होता है। पिक्निडियोस्पोर्स जो है लाइकेन के थैलस में कप लाइक या फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम पिक्निडियल कप्स कहते हैं। तो ये लाइकेन का थैलस आप कंसिडर कीजिए, और इसके अंदर यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पिक्निडियल कप है। इस पिक्निडियल कप के अंदर काफी सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इन स्पोर्स को हम लोग पिक्निडियो स्पोर्स कहते हैं। तो बेसिकली पिक्निडियो स्पोर्स होते हैं जो कि माइकोबैंड के थ्रू ही फॉर्म किए जाते हैं। अब ये जो स्पोर हैं, जिस समय पे फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये स्पोर एल्गल कंपोनेंट यानी फाइकोबैंड के कॉन्टेक्ट में आते हैं, और इसके पश्चात ये लाइकेन का नया थैलस जो है उसे फॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लाइकेन्स के अंदर वो कम्प्लीट किया। हम बात करते हैं एल्गी में पाए जाने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के लिए मेल और फीमेल दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स लाइकेन के थैलस में पाए जाते हैं। ये होमोथैलिक भी हो सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही थैलस में प्रेजेंट हो, या फिर ये हिट्रोथैलिक भी हो सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दो डिफरेंट डिफरेंट लाइकेन के थैलसेस के ऊपर प्रेजेंट हो। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम स्पर्मोगोनियम या फिर स्पर्मेशिया भी कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कार्पोगोनियम कहते हैं। पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्पर्मेशिया का या फिर मेल सेक्स ऑर्गन का। मेल सेक्स ऑर्गन नॉन मोटाइल होते हैं, और ये लाइकेन के थैलस में धंसे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। लाइक यहाँ कंसिडर कीजिए, ये लाइकेन का एक थैलस है, और इस लाइकेन के थैलस में एक छोटी सी ओपनिंग के बाद ये नीचे की तरफ फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे हम लोग स्पर्मेशिया कह रहे हैं। तो स्पर्मेशिया कप लाइक या फिर फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये लाइकेन के थैलस में अंदर की तरफ धसे हुए रहते हैं, और इसके अलावा ये नॉन मोटाइल होते हैं। स्पर्मेशिया की ओपनिंग को हम लोग ओस्टियोल या ओस्टियम भी कहते हैं, और ये जो है आउटर कॉर्टेक्स की हेल्प से ही बना हुआ होता है। आउटर कॉर्टेक्स जो होता है ये फंगल हाइफी की हेल्प से बना हुआ रीजन होता है। यहाँ आप ये राउंडेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एल्गल पोर्शन है, यानी कि एल्गी जो है वो कभी भी इन सेक्स ऑर्गन्स का हिस्सा नहीं बनती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ माइकोबैंड की हेल्प के थ्रू ही हो रहा है। एल्गल पोर्शन बाहर की तरफ है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है।
एल्गल पोर्शन के बाद बाहर की तरफ आप देखें तो यहाँ बेस वाला जो पोर्शन है यहाँ पे काफी सारे जो है फंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट है, इन्हें हम मेड्यूला कहते हैं इस वाले रीजन को। और ये सारा स्ट्रक्चर मैं इससे पहले वाले मेरे वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें कि हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन को डिस्कस किया था। इस ओस्टियम के बाद में जो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे काफी सारे इमर्ज्ड आप फिलामेंट देख रहे हैं। यहाँ पे जो इमर्ज फिलामेंट है ये सभी फर्टाइल फिलामेंट है, और इन फर्टाइल फिलामेंट्स के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन किया जाता है। ये स्पोर्स फीमेल कार्पोगोनियम जो है उसमें एक नुकीला या रिसेप्टिव हिस्सा होता है जिसे हम ट्राइकोगायन कहते हैं, उन ट्राइकोगायन पे जाकर के अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो फीमेल सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, जिसे कि हम कार्पोगोनियम कहते हैं, और ये एस्कोलाइकेंस के अंदर ही फॉर्म हो रहा है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटिफिकेशन हम लोग लाइकेन में देख रहे हैं। ये सबसे पहले बाहर की तरफ आउटर कॉर्टिक्स रीजन है, ये आउटर कॉर्टिक्स रीजन फंगस के थ्रू फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है फोटोसिंथेटिक रीजन, जिसे हम एल्गल जोन भी कहते हैं, एल्गल जोन। और नीचे की तरफ वाला हिस्सा जो है वो मेड्यूला का रीजन है, जो कि अगेन फंगस के थ्रू फॉर्म किया जाता है। यहाँ जो मेन या कर्व्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस कर्व्ड स्ट्रक्चर को हम लोग कार्पोगोनियम कहते हैं। इस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका बेस जो है कार्पोगोनियम का वो कर्व्ड है, यहाँ इस तरीके से ये घुमा हुआ है बेस पे से। इस घूमे हुए हिस्से को हम लोग एस्कोगोनियम कहते हैं, और इस एस्कोगोनियम के बाद यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि थैलस में से बाहर निकल कर आ रही है। ये थैलस है, लाइकेन का थैलस, और इस थैलस में से बाहर इमर्ज आउट होकर के आ रही है। इस वाले पोर्शन को हम लोग ट्राइकोगायन कहते हैं। ट्राइकोगायन वाला पोर्शन थैलस के बाहर की तरफ इमर्ज आउट हो रहा है, इसका भी एक पर्पस है। अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एस्को स्पोर्स जो है गायन जो है इसके सरफेस पे आके अटैच हो जाते हैं। तो ट्राइकोगायन बेसिकली स्पोर्स के लिए रिसेप्टर का काम करती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इस प्रोसीजर के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में ट्राइकोगायन और स्पोर जिस जगह पे अटैच हुए हैं उस जगह की वॉल जो होती है वो थोड़ी सी गल जाती है, और वॉल के गलने के बाद में स्पोर का जो न्यूक्लियस होता है वो इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में से होता हुआ नीचे एस्कोगोनियम के न्यूक्लियस तक रीच करता है। जैसे ही दोनों गैमेट्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं प्लाज्मोगैमी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, और प्लाज्मोगैमी के प्रोसेस के स्टार्ट होते ही छोटे छोटे से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो लाइकेन के थैलस में बनने लग जाते हैं। ये बर्ड लाइक थैलस जो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये फ्यूचर में जाकर के एस्को कार्प का फॉर्मेशन करेंगे। एस्को कार्प वो स्ट्रक्चर है जिसमें की फ्रूटिंग बॉडी एस्कस का फॉर्मेशन होता है। तो यहां मैंने डायग्राम बना रखा है एस्को कार्प का। एस्को कार्प एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि लाइकेन के थैलस पे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है प्लाज्मोगैमी के बाद उसकी वजह से ये डेवलप होती है। इन कप लाइक स्ट्रक्चर की बाहर की जो वॉल होती है वो काफी थिक होती है, और इस बाहर की थिक वॉल को हम पेरिडियम कहते हैं। इस पेरिडियम का फॉर्मेशन अपर कॉर्टेक्स से या फिर पूरी ही जो एस्को कार्प है इसका फॉर्मेशन अपर कॉर्टेक्स की हेल्प से हुआ होता है। यहाँ आप यूजुअल जो इंटरनल स्ट्रक्चर है लाइकेन का वो देख रहे हैं, नीचे एल्गल सेल है और यहाँ पे फंगल हाइफा जो है वो प्रेजेंट है, और ये कप लाइक स्ट्रक्चर एस्को कार्प यहाँ प्रेजेंट है। इस एस्को कार्प में काफी सारे फिलामेंट जो है वो प्रेजेंट है, जो यहाँ पे फर्टाइल फिलामेंट है, इन फर्टाइल फिलामेंट को हम लोग एस्कस कहते हैं, और इनके बीच में काफी सारे नॉन फर्टाइल फिलामेंट प्रेजेंट रहते हैं। स्टराइल फिलामेंट्स को हम लोग पैराफाइसिस कहते हैं, पैराफाइसिस। दोनों ही टाइप के फिलामेंट हाइमेनियम नाम की एक जो लेयर है इस लेयर से इमर्ज आउट होते हैं। हाइमेनियम जो है ये काफी सारे फंगल हाइफा से बनी हुई थिक लेयर होती है, और ठीक हाइमेनियम के नीचे की तरफ जो फंगल पोर्शन का जोन होता है उसे हम सब हाइमेनियम कहते हैं। एस्कोजीनस टिश्यू में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक वो न्यूक्लियस जो की स्पर्मेशिया से आया है, और दूसरा वो न्यूक्लियस जो की कार्पोगोनियम के अंदर प्रेजेंट था। तो इस तरीके से दो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, दोनों के दोनों न्यूक्लियस जो फर्टाइल हमारे पास में फिलामेंट है उन फर्टाइल फिलामेंट के टिप पे प्रेजेंट रहते हैं, और वो चिट्टिप वाला लूप लाइक हो जाता है या फिर हुक जैसा दिखने लग जाता है। इस लूप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्रूजियर कहते हैं। अब ये दोनों न्यूक्लियस में डिविजन होना शुरू होगा, और डिविजन होने के बाद में तीन सेल्स का फॉर्मेशन होता है। टॉपमोस्ट सेल उसे हम टर्मिनल यूनि न्यूक्लियट सेल कहते हैं, ये एक कोशिकीय होती है।
मिडिल सेल जो होती है उसे हम पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, और इसी सेल को हम क्रुक सेल भी कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल होती है। थर्ड जो सेल है जो कि बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट होती है, उसे हम लोग बेसल सेल कहते हैं। जो क्रुक सेल होती है इसमें डाइकैरियन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो हमारे पास में दो न्यूक्लियस है, एक स्पर्मेशियस या एवा न्यूक्लियस और दूसरा कार्पोगोनियम का न्यूक्लियस, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे एज अ डाइकैरियन प्रेजेंट होते हैं। इन डाइकैरियोटिक स्टेज में अब एक सिनकैरियन का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही सिनकैरियन का फॉर्मेशन होता है जो क्रुक सेल होती है वो एस्कस मदर सेल के रूप में वर्क करने लग जाती है। एस्कस मदर सेल में अब मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन हम सभी को पता है रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसकी वजह से एस्कस मदर सेल में चार न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। इन चारों न्यूक्लियसेस में अब फर्दर माइटोटिक डिवीजन्स होंगे, और इन माइटोटिक डिवीजन से ये एस्कोस्पोर्स को फॉर्म कर लेते हैं। एस्कोस्पोर्स में अब जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन के बाद में ये फंगल हाइफा बना लेते हैं। अब जैसे ही ये फंगल हाइफा किसी भी एल्गी के कॉन्टेक्ट में आते हैं, फाइकोबैंड के कॉन्टेक्ट में आते हैं, लाइकेन को फॉर्म कर लेते हैं, और इस प्रकार से लाइकेन के नए थैलस का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने तीनों प्रकार के जो रिप्रोडक्शन है उनकी स्टडी की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि आपको लाइकेन में रिप्रोडक्शन से संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की 100% कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक करके जाइए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई एम कंचन शर्मा फ्रॉम इम्पैक्ट लर्निंग क्लासेस एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।